हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा मेंस्ट्रुएशन जनरल फॉर ऑल क्लासेस में। हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज बी अटेंटिव एंड कम टू द पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हम कुछ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनके फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, आप इसको प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट। इसमें क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल व्हेन इट्स डायमीटर इज गिवन। क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हूज डायामीटर इज 10 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है कि एक सर्कल का एरिया निकालना है जिसका डायामीटर आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। सॉल्यूशन क्या आएगा? देखिए, आपके पास ये एक सर्कल है विद सेंटर ओ। ठीक है, इसका सेंटर ओ है और ये इसने दिया डायामीटर ए बी। इधर डायामीटर विच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है भाई, ये कुल क्षेत्रफल किसका है? हेयर डायामीटर ऑफ द सर्कल, आप शार्ट में भी लिख सकते हैं, हेयर डी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बट डी इज इक्वल टू 2 टाइम आर, क्योंकि हमने पढ़ा है वेयर आर इज द रेडियस। ठीक है, हमें ये इसका आर क्या है, ये रेडियस है, तो इधर भी तो आर ही है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये डी इज इक्वल 10 किसके बराबर, 2 आर हो गया, विच इंप्लाइज 2 आर इज इक्वल टू 10, है ना। सो आर इज इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। जब देखिए आपको डायामीटर दिया है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हम उसका सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। जब वो रेडियस हमारे पास आ जाएगा तो हमें फार्मूला आता है, ठीक है ना। तो वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है, वेयर पाई इज ए कॉन्स्टेंट फैक्टर। ये क्या है, पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है। पाई इज इक्वल टू 22/7, आर 3.14। तो बीच एवरेज पास्कल आप लगा लीजिए, तो अब ये 3.14 यूज करेंगे यहाँ पे, है तो क्या आएगा, 3.14 इंटू आर कितना है, आर निकाला, ये रेडियस हमने 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वेयर, तो कितना आया, 300, ये आएगा 0.0। ठीक है, पॉइंट खत्म कर दिया, 5 5 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 से कम 25, 25 का 100, कितना आ गया, 314/4, तो इज इक्वल टू 7 चौके 7 से डिवाइड कर दो, 314 को आप 4 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 11 में 8 गए 3 4, 7 8 जा 32, और 4 में से 2 गए 2.0, 5 4 जा 20, तो पीछे बन गया 0, क्या आया, 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका आंसर आपके पास आ गया, 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहां लिख दीजिए, ए इज इक्वल टू 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया, हमें यही निकालना था। तो इसमें क्या था, रेडियस नहीं दिया, इसमें डायामीटर दिया। सपोज आपको एक और प्रॉब्लम देते हैं जिसमें आपको अभी रेडियस दिया है, तो फिर आपने निकालना है उसका एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दो चीजें निकालनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बड़े ध्यान से समझिएगा, इट दिस इज वेरी इजी टू अप्लाई, अप्लाई करना है आपको, बड़ा आसान है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर टू,
फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल whose radius is 21 centimeter, use pi is equal to 22 by 7. यहाँ पे दिया है कि pi आप 22 by 7 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो solution देखिए, यहाँ पे क्या है? ये आपके पास एक circle है, ये इसका center है O, इसका ये रेडियस दिया गया O to A 21 सेंटीमीटर, ये यहां से लेके यहां तक आपने क्या निकालना है? एक तो ये सारी इसकी देखो क्या क्या निकालना है, एक तो आपने इसका एरिया निकालना है, पहला तो आप एरिया निकालेंगे, तो एरिया को मैं शेडर पोर्शन बता दूंगा, ये आपने निकालना है कि भाई एरिया कितना है इसका, ये सारा इसके अंडर कितना कवर किया है इसने, ये शेडर पोर्शन शो करता है, शेडर पोर्शन shows area of the circle, ठीक है? ये शो करेगा एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा, ठीक है? अब इसकी बाउंड्री, बाउंड्री कितनी है, वो रेड लाइन से हम ब्लू से ये शो किया ना, तो रेड से हम यहां से लेके, ये कह रहा है कि ये यहां से पूरा जो डिस्टेंस है, ये जैसे ये घूम के आया, ये बाउंड्री, इसकी बाउंड्री कितनी है, ये वाली जो मैंने रेड से शो की है, बाउंड्री निकालनी है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो बाउंड्री क्या होती है, वो 2 बाई आर होता है, तो एरिया कितना होता है, बाउंड्री हो गया सी, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पी, पेरीमीटर आर इज इज, ये पहले एरिया, ए कितना होगा, ये होगा पाई आर का स्क्वायर, ये निकला इससे, और बाउंड्री सी लिखेंगे इसको, सी मीन पी, पी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पाई आर, ये मैंने बताया था, पी क्या होता है, पेरीमीटर, सी हो गया सर्कमफ्रेंस, ये हमने निकालना है। तो अभी हमें दिया क्या है, देखिए हमें दिया है, हियर रेडियस ऑफ द सर्कल ओ ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल 21 सेंटीमीटर, ओ टू ए माना मैंने, ठीक है? और एरिया किसका बना, वी नो एरिया ऑफ द सर्कल A इज इक्वल टू ए किसके बराबर, पाई आर का स्क्वायर। अब पाई कितना है, मैंने बोला पाई कितना है, वो यूज करना है 22 बाई 7 इंटू आर, आर कितना है, ये इसकी वैल्यू लगा दो 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या 22 बाई 7 इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, 7 × 7 = 21, तो कितना हो गया ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 22 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, 3 × 6 = 66, मल्टीप्लाई 21 कितना आएगा, ये आएगा 1 × 6 = 12 × 6 = 13, ये आएगा 66 × 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आ गया एरिया, ठीक है? अब हमें चाहिए क्या, पेरीमीटर। नो पेरीमीटर पी इज इक्वल टू सी सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई आर, तो वैल्यू लगा दिए, 2 पाई कितना है, 22 बाय 7 इनटू आर कितना है, 21 सेंटीमीटर, 7 × 7 = 7 तो 21, तो टोटली इसकी जो लेंथ है, जो इसकी बाउंड्री है वो कितनी है, 22 × 44 3 × 12 3 × 6 = 12 × 6 = 13 132 सेंटीमीटर, ये आपके आ गया सी, ठीक है? ये आपके पास सी आ गया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना आया, 132 सेंटीमीटर। तो ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व करना था। अब हमें एक और प्रॉब्लम दिया है, लेट अस मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 3। ये एक मिक्स्ड प्रॉब्लम था, तो इसमें पहले हमने क्या निकाला, एरिया, उसके बाद हमने इसका सर्कमफेरेंस निकाल दिया। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, उसमें क्या दिया है, देखिए
गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 176 मीटर, ठीक है, ये इसका सर्कमफ्रेंस है। फाइंड इट्स रेडियस एड, ठीक है, फाइंड द, क्या करेंगे अब सर्कमफ्रेंस दिया है, फाइंड द फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया। अब इसमें भी दो प्रश्न है, पहले हमने यहां पे रेडियस निकालेंगे तभी एरिया निकलेगा, इसलिए हमने दो ढंग से लिख दिया है। तो इसका आपको रेडियस भी निकालना और एरिया भी। तो सॉल्यूशन में क्या है, देखो यहां पे क्या दिया हुआ, हेयर सी इज इक्वल टू 2πr, ये कितना दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना, ये 176 सेंटीमीटर, सॉरी। अब यहां पे ये नहीं दिया कि पाई आपको क्या यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, पाई के लिए वैल्यू जो है वो कोई भी यूज कर लीजिए, ठीक है, पाई की वैल्यू आप कोई भी यूज कर लेंगे, तो 22/7 यूज कर लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट, फिर जहां नहीं दिया तब हम पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करेंगे, अगर दिया है तो 3.14 यूज करेंगे। तो ये आपको सर्कल दिया है, ठीक है, ये रेडियस हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, यहां से लेके इस पॉइंट ओ से लेके ए तक जो है ये ऐसे घूम के जब आता है, ये पूरे का पूरा इसकी बाउंड्री जो है वो दी है भाई, ये इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो कितना है, ये दिया, कितना दिया है, ये जो सर्कमफ्रेंस है वो सी इज इक्वल टू पाई आर, ये दिया आपको 176 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे लिख दिया सी इक्वल टू पाई आर इक्वल 176, बट यूज पाई नहीं दिया तो क्या करेंगे, 22/7, देयरफॉर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं 22 × 44 बटा 7 इंटू आर इज इक्वल टू 176 इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 176 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है, ये इसमें उल्ट जाएगी रकम, नीचे आएगा 44। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो आर इज इक्वल टू 44/7 विच इक्वल टू 176 इंटू 7 बाय, आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, ये जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है वो चेंज हो जाती है, तो ये कट गया, कितना आएगा 4 से, तो कितना आएगा रेडियस 28 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया, नाउ एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, पाई कितना है 22 है, 22/7 इंटू आर कितना आया अभी निकाला हमने 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो आर की वैल्यू, देखो हमें सबसे पहले क्या दिया था, हमें दिया था सर्कमफ्रेंस, ये इसकी पूरी बाउंड्री दी थी, इससे हमने क्या निकाल लिया रेडियस, रेडियस कितना आया आर आ गया 28 सेंटीमीटर, चूंकि जो सी जो है वो 2πr इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये 176 मीटर दिया है, तो ये हमारे पास मीटर में आ गया, ठीक है, तो ये मीटर स्क्वेयर में आएगा, ठीक है, तो मीटर में आएगा, तो इसमें क्या करेंगे अब इसको कैलकुलेट कर देंगे वैल्यू को, 22/7 इंटू 28 मीटर इंटू 28 मीटर, अब 4 से ये डिवाइड हो गया, ठीक है, तो 4×7=28, ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई करो 22×88 इंटू 28 मीटर का स्क्वायर, करो इसको मल्टीप्लाई जरा, है 88 मल्टीप्लाई बाय 28, 8×8=64 कैरी 6, 8×8=64 और 6 कितना गया 70, और 8×16 = 17, 4×6=7 14 और 1×2=2464 कितना आ गया एरिया, एरिया ए इज इक्वल 2464 मीटर का स्क्वायर, तो यहां ऐसे लिख दो तो यहां सीधा लिख दो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, आपके पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें क्या था, इसमें आपको दो बातें दी थी, सॉरी एक बात दी थी, क्या दिया था, इसमें आपको सिर्फ सर्कमफ्रेंस दिया था शीट का, आपको इसका एरिया निकालना था।
अब हमारे पास एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें दिया है कि इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल शीट ऑफ आयरन इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा पूछ भी सकते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम नंबर फोर क्या, क्यों फोर क्या है प्रॉब्लम नंबर फोर, आज इसी पे करेंगे ना। द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ ए सर्कुलर आयरन शीट इज 616 सेंटीमीटर का स्क्वेयर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। अब ये इसने बात नहीं बोली कि आप भाई इसका रेडियस निकालो या ना निकालो, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पूछ गया कि आपने क्या करना है, आपको दिया है एरिया, तो एरिया दिया सर्कल का, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, तो इसका आपके पास सेंटर ओ है, तो आपको क्या दिया है इस सर्कल का पूरा क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, इस ब्लू से शो कर देंगे, सारी टोटल की टोटल इसकी जो इसने दी है, ये शो करता है कि एरिया, ब्रेड लाइन शो करती है सारी, ये एरिया, एरिया कितना है, वो है 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन होता है एरिया किसके बराबर सर्कल का, वो आपको पता है। तो हमारे रेडियस तो दिया नहीं है, हम लेट अस मार्क द रेडियस विद ग्रीन लाइन। तो ये ओ सेंटर से लेके ये जो है इसका, ये ए तक, ये क्या है, इट इज आर। हमें निकालना क्या है, इसकी पूरी ये वाली बाउंड्री जो है वो निकालनी है, कितनी है ये बाउंड्री जो है, ये सारी कितनी है, सब ये निकालना है हमें, ये लेंथ कितनी है सारी, ठीक है। कई जगहों पे मैंने बाहर से शो किया लेकिन बेसिकली यही है, तो हमें ये बाउंड्री निकालनी है। बाउंड्री क्या होती है, पी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पाई आर, यानी कि ये हमें निकालना है। अब एरिया दिया है, हमें इस चीज को निकालना है। फॉर दिस पर्पस हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट्स मूव, हम देखेंगे कि हेयर सॉल्यूशन में क्या है, हेयर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कुलर आयरन शीट इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। बट एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। पर यहां भी पाई की वैल्यू नहीं दी है, जहां नहीं दिया तो पाई आपको क्या यूज करना है, यूज पाई इज इक्वल 22/7, नहीं दी तो ये यूज कर दो, तो ये क्या है 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब पाई लगा दो, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर किसके आएगा, 616/22/7, ये क्या बन गया 616/7/22, ठीक है। देखो 22 दूना 44, देखो करो इसको डिवाइड, 616 को क्या ये 22 से 22 से डिवाइड होता है, 22 2 2 और 2 4, 11 से में से 4 के 7 और यहां पे 1 और ये 6, 8 से करो 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और 1 17, 8 20 कितने आ गया, ये आ गया 28 से। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28/7, तो ये क्या बनेगा, 28/7 है ना, तो तो ये क्या बन गया, 7 4 28, तो ये भी बनेगा 4 7 8 56, 7 2 14 और 5 19, 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां से आर निकाल लो, आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आपको पता है स्क्वायर रूट किया है तो किसके टर्म में आता है, 14 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कभी इंडक्टिव हो नहीं सकता है। सो देयरफॉर
विच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू माइनस 14 सेंटीमीटर इज रिजेक्टेड, ये जो रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे भाई, देखिए रेडियस कभी नेगेटिव में थोड़ी आएगा, रेडियस है ना वो तो पॉजिटिव रहेगा ना, वो तो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे हम, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ गया आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ सरकमफ्रेंस निकालिए, नो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो लगा दो 2 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 14 सेंटीमीटर, 7 × 7 = 14, तो कितना आ गया 2 × 4, 4 × 8 और 4 × 8 88 सेंटीमीटर, ये आपके पास सी आ गया, तो सी इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सी आपका पास आ गया, इसमें आपको एरिया दिया था। ठीक है, एरिया से पहले हमने क्या निकाला, रेडियस, ये कितना आया, ये आया आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और सी कितना आया, सारा सी आ गया 88 सेंटीमीटर, ये दो वैल्यूज आ गया। आपको एक निकालनी थी, लेकिन हमें जब तक रेडियस नहीं निकालेंगे तो बेटा डियर स्टूडेंट्स वी कांट सॉल्व द क्वेश्चन। सो बच्चों देखिए, हर चीज के लिए पहले हमने बेसिक समझा, अब हम बेसिक के ऊपर ही प्रॉब्लम्स आपको दे रहे हैं, तो बेसिक मैंने आपको करवा दिया था, और हमारी लास्ट प्रॉब्लम है आज की, प्रॉब्लम नंबर 5। ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 है, इसमें क्या है, देर ये सर्कल शीट ऑफ आयर हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए सर्कल ऑफ ए सर्कल शीट बीच में से क्या है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर कौन सी है, 5, ए सर्कुलर शीट हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो ऐसे लिखो, देर इज ए सर्कल शीट हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम विच अ शीट ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर शीट। जो पीछे बच गया आपने उसका एरिया निकालना है। तो देखिए इसमें दो बातें दी हैं, पहले एक सर्कुलर शीट है जिसका एरिया दिया आपको रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर, और दूसरी जिसमें से काट दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है, उसका एरिया 3 सेंटीमीटर है, तो आपने निकालना है रिमेनिंग जो सर्कल शीट है उसका निकालना है आपको एरिया। तो सॉल्यूशन को देखिए पहले, बाद में पहले डायग्राम से समझिए, डायग्राम क्या कहती है, ये हमारे पास एक आयरन की सर्कल शीट है, इसका रेडियस आर जो है वो कितना है O to A, वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका हमारे पास एरिया को मैं क्या करूंगा, इस रेड ब्लू पेन से शेड कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा आसानी से, ये पूरी शीट का एरिया पहले है ब्लू शीट से, एक तो पहले ये एरिया कितना है, इसमें से क्या किया, अभी इसको रेड मार्क कर देते हैं, जो r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर जो कट कर दी जाती है, और इसमें से एक r इक्वल टू, ये जो r है इसका r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मान लो इसको ये r1 रखते हैं, ये r2 है, इसको कट कर दिए रहे, यानी कि ये कैपिटल r रख दो, ठीक है, इसको स्मॉल r रख दो, ये स्मॉल r है, तो ये आपका जो है ये कैपिटल r है। ठीक है,
ठीक है, हम डिफरेंस शो करेंगे कि रेडियस इसका और इसका। लेट आर एंड आर बी द रेडियस ऑफ द एक बड़ी सर्कल का एक छोटी का। अब ये बताया कि इसको हमने हटा दिया बीच में से, ये वाला सारे का सारा हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, ये वाला एरिया सारे का सारा बीच में से हटा दिया, ये वाला, इसका हमें अब निकालना क्या है, ये जो पीछे बच गया है, ये जो बचा है ये निकालते हैं, ठीक है। चलो हियर रेडियस ऑफ शीट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ शीट removed, sheet removed वो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पीछे रेडियस क्या बच गया, 2 सेंटीमीटर बच गया, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया बिगर शीट, एरिया होल शीट, पूरी शीट का एरिया कितना, माइनस एरिया ऑफ शीट रिमूव्ड, पूरी शीट में से जिसका हम एरिया हटा देंगे उसको हम माइनस कर देंगे इसमें से। अब ये क्या आएगा, ये आएगा पाई आर का स्क्वायर, ये आएगा स्मॉल के लिए पाई आर का स्क्वायर। देखो पाई दोनों में कांस्टेंट है, पाई को बाहर ले लो, लिखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला है, देखिए इजी करने के लिए आपके पास आइडेंटिटी है, ये यू नो द आइडेंटिटी, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, देयर इज एन मैथमेटिकल आइडेंटिटी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये तो जो 6 से ऊपर बच्चे हैं 7th 8th 9th 10th उनको समझ लग जाएगी इसका आइडेंटिटी का मतलब क्या है, लेकिन ये जो बच्चे छोटे हैं 4th 5th में उनके लिए ये नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला पुट करके इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई तो आपको 22/7 लगाना है, 22/7 इंटू आर प्लस आर, अच्छा पहले फार्मूला लिखेंगे, ये पाई इंटू क्या लिखेंगे, आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर, तो पाई कितना है 22/7, आर प्लस आर कितना है 5 + 3 इंटू 5 - 3, तो कितना आएगा 22/7 इंटू 8 इंटू 2, तो कितना आएगा आर दोनों 16, 16 दोनों 32, 16 दोनों 32 और 3 35, 352/7 सेंटीमीटर का स्केल ये पीछे एरिया बच जाएगा। अब इसको अगर आप अलग अलग एरिया निकालो, अगर आपको इससे समझ नहीं आई तो आप अलग अलग एरिया निकालो तो इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, आज का टॉपिक इतना ही था, और कल जो नेक्स्ट फार्मूलाज हैं हम उस पर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको एंगल्स पे पढ़ाया, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि रिमेनिंग पार्ट का एंगल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, जो जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर एरिया ऑफ सेक्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, माइनर आर्क निकालेंगे, मेजर आर्क निकालेंगे, तो वो सब इसी तरह से बेस्ड क्वेश्चन निकलते जाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप जैसे ये कर रहे हैं तो इसी तरह हर किस्म का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। विद दिस हब थैंक यू बाय, सी यू टुमारो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, हैव ए गुड नाइट डे, थैंक यू।